गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस फिलहाल तो अभी आ रहा हूं मैं बाहर में, क्योंकि बाहर से ब्लॉग की शुरुआत करने का कुछ और ही मज़ा होता है। एक तो सवेरे सवेरे यहां पे सूर्य देव जी की कृपा प्रकट हो रखे एक, और दूसरी बात यह कि यहां पे ना चिड़ियों की ना चहकने की आवाज़, और सुबह सुबह एकदम ठंडी हवाओं के साथ कुछ और ही मज़ा आता है ब्लॉग स्टार्ट करने का, एक एनर्जी सी मिल जाती है। तो इसीलिए मेरी जो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है ना हमेशा वो बाहर से ही होती है, क्योंकि कुछ मज़ा ही अलग होता है ना बाहर से स्टार्ट करने का। और अभी तो फिलहाल जो बज रहे 7 बज चुके हैं, तो गाइस आप सबके लिए ना एक चैलेंज है मेरा, वो है कि 10 दिन तक ना डेली ब्लॉग बनाना। बस मुझे आप सबका ना सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ उसमें अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि 10 दिन तक ना मेरा चैलेंज है आप सबके लिए डेली सुबह ब्लॉग बनाना। क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी घर पे काम होता है, तो इस कारण से मैं फिर बना नहीं पाता, तो इसी चक्कर में फिर मैं रुक जाता हूँ, नहीं बना पाता। तो इसीलिए तो अब मेरा आपसे चैलेंज है 10 दिन तक का डेली ब्लॉग आएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखना। चलो फिर अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं मम्मी जी और क्या कर रहे हैं, आज क्या बना रहे हैं सुबह नाश्ते में। पापा जी इधर काट रहे हैं सब्जी, तो मजा ही आ जाएगा आज गुंदड़े की सब्जी में। कुदड़ी को बोलते हैं तोरी, और जो गुदड़ी होती है ना उसको हमारे इधर बोलते हैं ना गुदड़ी को, हम यहाँ गुदड़ी को लोग ना तोरी बोलते हैं, और हमारे इधर उसको गुदड़ी बोले जाता है। तो ये वही है तोरी, देसी गुदड़ी है, घरिया गुदड़ी नहीं है। घरिया तो है नहीं, तो देसी है, तो इसको देसी टाइप देसी बनाएंगे। स्वाद तो वैसे घरिया में ही ज़्यादा आता है मज़ा खाने में, जो गांव की होती है इसमें इतना स्वाद नहीं आता, क्योंकि इससे थोड़ी मोटी भी होती है और बड़ी बड़ी भी होती है बहुत। तो फिलहाल मम्मी और पापा जी चले गए काम पे, और अभी यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी यहाँ, और तो यहीं से स्टार्ट होता है फिर हमारा काम भी स्टार्ट होता है। अभी तो पहले अंदर चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद फिर बाकी सारा जो घर का काम बचा है फिर वो मुझे ही करना पड़ता है। क्या करें, करना तो पड़ेगा जब मम्मी और जा रखे काम पे, तो और कौन करेगा, है ना। बस फिलहाल तो अभी चलेंगे अंदर चलेंगे, और अभी तो मैं बाहर में बैठा पड़ा हूँ। एक तो लाइट भी नहीं है, और ऊपर से आजकल हमारा नुकसान भी नुकसान होया जा रहा है। पहले तो एडजस्ट फैन ख़राब हुआ, उसके बाद पानी की टूटी खराब होगी फ्री होगी, और अब जो वाश बेसिन है वो भी उसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई। अब प्लम्बर को बुला के पानी का भी काम ठीक कराना पड़ेगा, और एक नया एडजस्ट फैन भी ला के फिट करना पड़ेगा। क्या बताएं, नुकसान पे नुकसान ही हो जा रहा है। तो चलो तो फिर फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और ब्रेकफास्ट करेंगे। नेक्स्ट तो करते हैं चलो फिर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर काम, पहले पीठ पूजा फिर काम दूजा, फटाफट से करते हैं। और तोरी की सब्जी, इधर साइड में रोटी, तो यही होता है गाइस हमारा सिंपल सा खाना, रोटी और सब्जी तोरी की। चलो फिर फटाफट से करते हैं और मिलते हैं अभी आपको बाद में फिर। फिलहाल मैंने अभी प्लम्बर अंकल जी को फ़ोन कर दिया था, तो वो कह रहे थे कि मैं आता हूँ अभी, तो देखेंगे चेक करेंगे, तो वही बजट बताएंगे कितना लगेगा खर्चा। तो मैंने उनको फ़ोटो तो भेज दी, उनका फ़ोन आया था ना कि फ़ोटो भेज दे फिर हिसाब से मैं देखूँगा। उनको लगा शायद से नया लगाना होगा, तो मैं कहा नया तो नहीं लगाना, पुराना ही है, उसको ही आपने ना रिपेयर करना है, तो फिर वो अभी आ रहे हैं। तो चलो फिर वेट करते थोड़ा उनका। हो चुका है लंच टाइम, और लंच टाइम में हमने बना रखे हैं चावल, और चावल के साथ कहेंगे सब्जी को, और साथ में है तोरी की सब्ज़ी। तो चलो फटाफट से लंच करते हैं।
लंच में ये चावल और ये तोरी की सब्जी फटाफट से खाते हैं, घर मिलते हैं अभी बाद में। और प्लम्बर अंकल तो अभी आए नहीं, उनको फ़ोन किया था, देखते हैं कब तक आते हैं वो, कहते हैं। मम्मी भी आ रखी है इधर लंच कर रहे हैं। तो फिलहाल शाम के बज चुके हैं 6 और प्लम्बर अंकल अभी तक आए नहीं, उनको मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा था मैं आ जाऊँगा, अभी मैं काम पे बिजी हूँ, बट अभी तक वो आए नहीं। बताओ पोपट कर दिया अंकल ने हमारा, पोपट बना दिया हमारा। 6 बज गए, मम्मी भी आने वाली है, मैंने उनको 5 बजे के करीब ही फ़ोन किया, मैं कहा शायद अभी आ जाएंगे, मगर आए ही नहीं वो, अंकल ने पोपट ही बना दिया हमारा। अब फिर कल दोबारा फ़ोन करूँगा, पहले बता देते आते कि नहीं आते, हमें तो पता शायद से आएंगे, अब बाद में पता चला नहीं आए, तो अब कल फिर दोबारा फ़ोन करना पड़ेगा अंकल को। तो चलो अभी फ़िलहाल तो 6 तो बज चुके हैं, देखते हैं मम्मी अभी तक आए नहीं, अब फटाफट से बनाता हूँ मम्मी के लिए, फिर अंदर जाके अभी चाय। अभी तो मैंने ना फिलहाल यहाँ पेड़ों में रहा सबको पानी डाल दिया, सुबह भी और शाम को भी डेली पानी डाल देता हूँ, उनमें अच्छे रहते हैं। और जो हमने राई लगाई थी अभी तो छोटी छोटी है, उसको तो अभी बहुत टाइम होएगा बड़े होने में, तो जब बड़ी होगी तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो गाइस तो अभी यहाँ पे बन रुके चावल और ये हड़द की दाल, और चावल तो हमने दिन में भी खाए थे, चलो कोई नहीं अब टन मार के अब रात को भी खा लेते हैं और मिलते हैं फिर आपको फटाफट। गाइस तो फिलहाल तो खाना पीना हो चुका है और रात के फिर इस ब्लॉग को ना फिर पेंट करते हैं और मिलते हैं फिर आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी तो मेरे चल रहे हैं चैलेंजिंग ब्लॉग, तो दिन तक मेरे को 10 ब्लॉग बना के डालने पड़ेंगे, तो फिर तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और नहीं तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ कमेंट भी जरूर करना। बाय बाय।